हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले, बिल्कुल फ्री है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, हैप्पी होंगे और टेंशन फ्री होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर सैयद चैनल। इसमें आप सबको फिशेज़ के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत से लाइक्स व्यूज कमेंट्स और बहुत अच्छे सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, थैंक्स फॉर ऑल। और बहुत से रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो हर रिक्वेस्ट भी बना रहा हूँ। आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो हर एक नए टॉपिक के साथ नया वीडियो लेकर आता रहता हूँ मैं आपके सामने। तो आज एक नया टॉपिक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम बात करते हैं ब्लैक मोर के बारे में। बहुत से रिक्वेस्ट भी आए थे, बहुत लोगों ने बताया था कि ब्लैक मोर के बारे में मुझे एक वीडियो बनाइए। तो आज हम बात करते हैं ब्लैक मोर के बारे में। आज का टॉपिक है ब्लैक मोर की फिशेस के केयर के बारे में और सब उसकी डिटेल्स। देखिए, ब्लैक मोर जो है बहुत स्पेशल है, दुनिया में ऐसी गोल्ड फिश है जो बहुत मशहूर है क्योंकि इसके आँखों की वजह से पहचानी जाती है, जिसे टेलीस्कोप फिश भी कहा जाता है। और एक सिंगल कलर की फिश है जो सिर्फ ब्लॉक कलर रहती है। ये ब्यूटीफुल होती है जब यंग रहती है, तो जब भी मैच्योर्ड होती है या जिसकी उम्र जब भी इसकी उम्र बढ़ती रहती है, इसका कलर जो है ग्रे होता चला जाता है। जब यंग रहती है तो एम्बर ब्लॉक कलर रहता है जो शाइनी दिखता है, और जब ये बड़े होते हैं तो ग्रेइश हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि ब्लैक मोर जो है टेलीस्कोप फिशेस भी कहा जाता है क्योंकि इसकी बॉडी की वजह से और इसके आंख बाहर होने की वजह से बहुत पॉपुलर फिश है एक्वेरियम इंडस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली फिश है, ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और हॉबीज जो है हर हॉबीस्ट को रखना पसंद करता है। बहुत ज़्यादा ये सप्लाई होती है दुनिया में हर जगह, गोल्ड फिश के साथ साथ ये फिशेज भी बहुत जगह सप्लाई होती है और दुनिया के कोने कोने में पाई जाती है। अब ये फिशेज को रखने से पहले बहुत जाना ज़रूरी है कि इस फिशेज को किस तरह रखें और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फिशेज जो है ये बहुत नाजुक फिश है, इसकी आँख बाहर होने की वजह से इसके लिए कोई कुछ अलग रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। ओरिजिनल जो है ब्लैक मोर जो है ओरिजिनली चाइना से बिलोंग करती है। ये 1700 ईस्वी से फिशेस के हिसाब से रखा जा रहा है। उसके बाद इसको 1800 ईस्वी में जापान में इंपोर्ट किया गया, उसके बाद ब्रीड करके पूरी दुनिया में अभी अवेलेबल है। और चाइना में इसको पहले ये सिर्फ इसका ब्लैक मोर से ही नहीं जाना जाता, बहुत से इसके अलग अलग कंट्री में नाम है, जैसा कि चाइना में इसको ड्रैगन आइस कहा जाता है इसके टेलीस्कोप होने की वजह से। गोल्ड फिश जो है मेसी फिश है, ये फिशेज जो है जो भी आप देंगे खाती रहेगी, 24/7 आप फीड करते रहेंगे तब भी खाती रहेंगी, क्योंकि फिश जो है मेसी फिश है बहुत, और साथ में बहुत फुट लॉट ऑफ वेस्ट जो है प्रोड्यूस करती है। इसलिए अगर आप ये फिश रखना चाहते हैं तो अच्छा फिल्टर रखें जिससे आपका पानी जो है वो फिल्टर सक करके क्लीन करे और प्रोड्यूस वेस्ट प्रोड्यूस जो है उसको बाहर निकाले। ये फिशेज रख रहे हैं तो इसलिए बेहतर है कि फिशेज जो है कि रख रहे हैं तो बहुत अच्छा फिल्टर यूज़ करें। और ये फिशेज जो है हार्डी फिश है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी फिश है, आराम से इसको मेंटेन कर सकते हैं। और चेंजिंग एक्वेरियम वाटर, देखिए फिशेज जैसा कि मैंने कहा कि ये फिशेज बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से पानी की केमिस्ट्री चेंज होती है और अमोनिया ज़्यादा हो जाता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया कम होता है। इसकी वजह से अगर ये टैंक में रख रहे हैं तो आपको ज़रूरी है फिशेज़ के लिए कि 30% एवरी वीक पानी चेंज करते रहे, जिससे क्या होगा बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंक्रीज़ होगा और अमोनिया कम होता रहेगा, इससे फिशेज़ की हेल्थ और ग्रोथ में हेल्प होगा। और बिगर इज़ बेटर, यानी टैंक साइज़। देखिए, आप छोटी फिशेस में या बॉल में इस फिशेस को ना रखें क्योंकि ये फिशेस के पर जो है बहुत बड़े होते हैं, अगर आप बॉल में रखेंगे फिशेस जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए बॉल में ना रखें। ट्राई करें कि जितना ज़्यादा टैंक हो उतना अच्छा बेहतर है, जैसा कि एटलीस्ट इस फिशेस के लिए एक फीट से ज़्यादा टैंक हो, और 40 गैलन टैंक रहेगा तो बहुत अच्छा है। बहुत से लोग इसको बॉल में रखते हैं, छोटे टैंक में रखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप बड़ी टैंक में रखें क्योंकि फिशेज जो है ज़्यादा स्विम करना पसंद करती है, स्विम अराउंड करना पसंद करती है। जितना ज़्यादा स्विम करेगी फिशेज जो है उतना हैप्पी फील करेगी और एक्टिव रहेगी। और वेरी स्लो स्विमर, ये फिशेज जो है ब्लैक स्विमर वेरी स्लो स्विमर है, बहुत स्लो स्विम करती है इसकी बॉडी की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, क्योंकि ये फिशेज जो है फैटी रहती है और बहुत स्लो स्विमर रहती है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि
फीड करने के टाइम फिशेस को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अब अगर आप ये फिशेस के साथ दूसरे फिशेस रख रहे हैं जो फास्ट स्विमर है, जब आप फूड डालते हैं खाने के लिए फिशेस को, ये फिशेस आने तक दूसरे फिशेस क्या करते हैं, खाकर ख़त्म कर देते हैं, इस फिशेस को नहीं मिलता। बहुत से लोग मुझे बोलते रहते हैं कि जो ब्लैक मोर है या गोल्ड फिश जो खाना नहीं खा रहे, दूसरे फिशेस खाने से पहले उसको ख़त्म कर देते हैं। इसका रीज़न यही है और इसका सोल्यूशन यही है कि आप इसके साथ फास्ट स्विमर ना रखें। अगर गोल्ड फिश रख रहे हैं या ब्लैक मोर रख रहे हैं तो इसके साथ वही फिश रखें जो स्लो स्विमर है, ताकि एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग करके फिशेस जो है रह सके। स्लो स्विमिंग फिशेस जैसा कि गोल्ड फिश है, रुकिन है, फैंसी गोल्ड फिश है, ऐसे फिशेस साथ में रखें। फास्ट स्विमर रखेंगे तो इसके लिए अलग ध्यान रखें कि फिशेस को फीड करें। और क्वालिटी फूड, देखिए फिशेस जो है बहुत से लोग एक ही फूड जो है साल भर खिलाते रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए वैरायटी फूड खिलाते रहिए, क्योंकि फिशेस जो है ज़्यादा फ्लेश खाना पसंद करती है, अलग अलग वैरायटी खाना पसंद करती है, विटामिन फूड खाना भी पसंद करती है। एक्चुअली नेचुरल में जब ये वाइल्ड में रहती है, लेकों में या समंद्र में यहाँ पाई जाती है, यानी नालों में या दरियाओं में जहाँ पाई जाती है, वहाँ पे ये इंसेक्ट्स खाती है, जो भी मिले ये फिशेस जो है खा लेती है, क्योंकि ये ओमनिवर फिश है। इसलिए बेहतर है कि आप एक अच्छा फूड फिट करें, वेराइटीज डालें, फ्लेक्स डालें, ब्रेन शिम्स, सब कुछ डाइटिंग फूड डालें जो हेल्थी रहें। और साथ में जैसा मैंने कहा कि इसका ख्याल रखें कि फिशेस जो है टैंकमेट सही रखें, जिससे फास्ट स्विमर और स्लो स्विमर का डिफरेंस ना रहे। फास्ट स्विमर पहले आकर फूड खाकर ख़त्म कर देंगी, ये फिश जो है स्लो सिमर होने की वजह से इसको फिट नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि अगर आप कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे इसका, तो बेहतर है कि आप इसको हाथ में भी खिला सकते हैं, यानी हाथ ले के अंदर फूड रखकर उसके सामने लेकर जाए, क्योंकि ये फिश जो है इसकी आँखें बहुत कमज़ोर होती हैं। हालांकि इसकी आँखें बाहर है, फिर भी इसकी आँखें जो है कमज़ोर रहती हैं दूसरे फिशेस के मुकाबले में। ये फिशेस को कम दिखाई देता है दूर का डिस्टेंस का। जब इसके सामने फूड आए तभी इसको मालूम होगा कि फूड मेरे सामने आया है, तब तक ये फिशेस मालूम नहीं होता कि फिश के सामने फूड आया है। इसलिए थोड़ा ट्राई करें कि फिश जो है अपने हाथ से या किसी चीज़ से उसके सामने ले जाए, जिससे वह देखकर फौरन आकर खा ले, इससे ये फिशेस जो है आसानी रह सकती है। अब फास्ट स्विमर फिशेस ना रखें इसके साथ, जैसा कि कॉमेट फिश है, शबकिंस है, मौलिस है, ऐसे फास्ट स्विमर फिशेस ना रखें जिससे इसको दिक्कत होती है खाने में, फूड फीड होने में। और पूर आई साइट्स, जैसा मैंने कहा कि फिशेस जो है हालांकि इसकी आंखें बहुत बाहर रहती है, देखने में अलग अजीब अलग फिश है, लेकिन इसकी आंखें जो है बहुत कम देखती हैं दूसरे फिशेस के मुकाबले में। जो इसके सामने आता है वही देखती है, दूर है उसको मुश्किल से देख पाती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखें। और इसकी आंखें बाहर होने की वजह से इसका ध्यान रखें कि कोई शार्पी या कोई शार्प जो है डेकोरेशन आपके टैंक के अंदर ना हो, क्योंकि फिशेस जो है स्लो स्विमर है, बहुत बहुत स्लो है, कहीं ऐसा ना हो कि स्लो स्विमर करते करते अपनी आँखों को कहीं डैमेज ना कर दें। जब आप नाइट में लाइट ऑफ कर देते हैं, जब भी फिशेस स्विम करती रहती है, एक्टिव रहती है, ऐसा ना हो कि आप शार्पी कुछ एडजस्ट रखे हो डेकोरेशन टैंक के अंदर, या अपने आँख को नाइट में नहीं दिखाई देता, इसकी वजह से ये फिशेस जो है स्विम करते करते अपनी आँखों को डैमेज ना कर ले, इसका ख्याल रखें। इसलिए शार्पी थिंग्स अपने एक्वेरियम में ना रखें अगर फिशेस रख रहे हैं तो, इसका डेकोरेशन के साथ साथ इसका ख्याल कर लें, क्योंकि फिशेस जो है नाइट में भी स्विम करती रहती है और ये आसानी से अपने आप को हर्ट कर सकती है स्लो स्विमर होने की वजह से और आंख बाहर होने की वजह से, इसलिए इसका ध्यान रखें। और टैंकमेट्स, देखिए टैंकमेट जैसा मैंने कहा कि इसके साथ स्लो स्पीड की फिशेस रखें, ताकि एक दूसरे में सही केमिस्ट्री जमे और फूड खाने में भी आसानी रहे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर फास्ट स्विमर रहेंगे फिशेस दूसरे, आप फूड डालेंगे, फास्ट स्विमर जल्दी आएंगी, खाएंगी, ख़त्म कर देंगी, ये आने तक फिर इसको फूड ना मिलेगा। इसलिए सेम स्लो स्विमर फिशेस रखें। और ब्लैक मोर जैसा इजी टू मेंटेनेंस है, टैप का वाटर यूज़ ना करें। बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देखिए टैप वाटर आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एसिडिक ज़्यादा रहता है और टॉक्सिक ज़्यादा रहता है और अमोनिया ज़्यादा रहता है, इसलिए आप टैप वाटर यूज़ नहीं कर सकते जो फिशेस को हर्ट करता है। अगर आपके पास कोई दूसरा रीज़न नहीं है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ आप टैप वाटर ही यूज़ कर सकते हैं, तो मुश्किल नहीं यूज़ किया, लेकिन पानी में फिशेस को डालने से पहले उसमें वाटर कंडीशन ज़रूर डालें, जिससे क्या होता है टॉक्सिक और अमोनिया ख़त्म करता है
वाटर कंडीशनर और पानी को क्लीन करता है। उसके बाद आप फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। टेम्परेचर अब इस फिशेस के लिए है 18 to 22 degrees है, यानी 65 to 72 Fahrenheit है। और टेम्परामेंट जो है पीसफुल फिश है, कोई फिशेस के साथ भी रह लेगी। लेकिन इस फिशेस को ऐसी फिशेस के साथ ना रखें जो इसके पर को निबलिंग करती है। और हार्डनेस जो है वेरी हार्ड फिश है, और केयर जो है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी फिश है। और साइज़ जो है 4 to 12 inches तक की बड़ी हो जाती है। और इसका लाइफ स्पैन जो है 5 to 10 years तक जी लेती है। और फूड में जो है वेजिटेबल खा लेती है, जैसे कि मास्टर पीस है, ब्रोकोली है, लेटस है और ब्रेन श्रिम्स है, ऐसा फूड भी खा लेती है। और मैंने जैसा कहा कि एवरी वीक 30% वाटर चेंज करते रहें ये फिर, और गुड फिल्ट्रेशन यूज़ करें क्योंकि ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती है। और महीने में एक बार ग्रेवल क्लीन करें, ये बेहतर है। और डेली 8 hours लाइट यूज़ करें। इस फिशेस के लिए लाइट भी एक अहम ज़रूरी है। सिर्फ डार्क में ही नहीं रख सकता फिशेस को, आप सिर्फ डार्क में रखेंगे विदाउट लाइट के यूज़ करेंगे फिशेस को रखेंगे तो फिशेस जो है सिक होती है और अपना कलर लॉस कर लेती है। इसलिए 8 hours एटलीस्ट इसके लाइट रखें एक्वेरियम के अंदर। और एक बात ध्यान रखें कि इस फिशेस के साथ ऐसे फिशेस ना रखें जो फिन निबलिंग्स हैं, जिससे ये फिशेस को मार सकते हैं, जैसा कि किसिंग ओरामी है या मौलीस भी कभी कभी करती है, कभी नहीं, मुश्किल नहीं है उसको। वो अगर ऐसा करें तो मौलीस को निकाल दिए तो ज़्यादा सेमी अग्रेसिव होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है। जैसा आप दूसरे फिशेस जैसा किसिंग ओरामी है उसका ध्यान रखिए, ना रखें इसके साथ ब्लैक मोर के साथ। और टाइगर बार्ब ना रखें ब्लैक मोर के साथ। ये फिशेस जो है फिन्स निबलिंग करती हैं, जो बड़े पर वाले फिशेस होते हैं उनके परों को काटती हैं उन पर, यहाँ तक कि फिशेस जो है सिक होकर मर ना जाए और डिजीज अटैक ना हो जाए। इसलिए ये फिशेस अवॉइड करें इसके साथ, तो ये फिशेस जो है हैप्पी और हेल्थी और लॉन्ग लाइफ जिएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जब तक के लिए चलिए इसी वीडियो के साथ अलविदा कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चलिए, बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।